नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है फ्रेंड, तो आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से पैटर्न लॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं, या फिर पिन कोड लगा सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स। एक्चुअली में होता है क्या फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं फ्रेंड जो कि जिसमें आपको पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लगाना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड। जैसे कि आपको गूगल क्रोम में पैटर्न लॉक लगाना जरूरी है फ्रेंड, जैसे कि पेफोन यूज करते हैं तो पेफोन में पैटर्न लॉक लगाना जरूरी है फ्रेंड, जैसे कि आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप में पैटर्न लॉक लगाना जरूरी है फ्रेंड, या फिर पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम में पैटर्न लॉक लगाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर इन सब एप्लीकेशन में आप नहीं पैटर्न लॉक लगाते हैं फ्रेंड, तो आपका कोई भी मोबाइल फ्रेंड्स लेता है तो कुछ भी एक्सेस कर सकता है फ्रेंड, जो कि आपको जानकारी भी होगा, आपको मोबाइल में कुछ भी छेड़ सकता है फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को पैटर्न लॉक लगा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह यह सेटिंग किया जाता है और बहुत ही आसानी से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है फ्रेंड, तो आपको सैमसंग में गैलेक्सी स्टोर आपके मोबाइल में जरूर होगा फ्रेंड। तो इसके ऊपर आप गैलेक्सी स्टोर में चले फ्रेंड। तो गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको लिखना होगा एस स्पेस उसके बाद सिक्योर, तो यहां पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद लिखने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप बहुत ही आसानी से इसको देखें, मैं यहां पे लिखता हूं और उसके बाद देखें मैं यहां पे एस स्पेस उसके बाद सिक्योर लिखकर उसके बाद यहां से सर्च कर दे फ्रेंड्स। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन आपको आ जाएगा फ्रेंड्स। यहां पे देख सकते हैं यहां पे ये एप्लीकेशन आ गया फ्रेंड्स। तो इसका आइकॉन आपको मैं दिखा देता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आइकॉन भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद देखें फ्रेंड्स यहां पे इसको इस तरह का आपका आइकॉन है, आप गैलेक्सी स्टोर में जाकर चेक कीजिएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करता हूं फ्रेंड्स। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं किस तरह इसमें पैटर्न लॉक लगाएंगे किसी भी एप्लीकेशन को, ये सभी करके मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड, बहुत ही यूनिक होने वाला है वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए फ्रेंड। तो देखिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है फ्रेंड्स, अब मैं इसको ओपन करता हूं फ्रेंड। तो देखिए ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें, यहां पे जो फर्स्ट वाले में है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप यहां पे सिर्फ इसको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे देखें ये ऑफ है, इसको ऑन करना होगा फ्रेंड्स। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको तीन चार ऑप्शन आ गया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पे पहला में है पैटर्न लॉक, उसके बाद पिन लॉक, उसके बाद पासवर्ड है, उसके बाद फेस लॉक भी लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, जो कि अभी इसमें अगर आप पैटर्न लॉक आप लगा देंगे तो यहाँ पे फेस लॉक भी काम करने लगेगा फ्रेंड। तो मैं आपको पहले पैटर्न लॉक करके मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैं पैटर्न लॉक पे इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद कोई भी पैटर्न आप जो मर्जी हो पैटर्न आप सेट कर ले अपने पैटर्न में जाकर फ्रेंड। तो देखिए मैं यहाँ पे पैटर्न में सेट कर लेता हूँ ये पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड। देखिए कंटिन्यू करने के बाद फिर से दोबारा करने के लिए बता रहा है। तो देखिए उसके बाद करके उसके बाद कंफर्म कर दे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर दिया हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद देखें यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड, जो कि लोकेट एप्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसके जो कोने में ऐड है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है फ्रेंड। देखिए जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो इस मेरे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पे सारा का सारा शो करने लगा फ्रेंड, जो कि देखिए मेरे पे यहाँ सारा का सारा एप्लीकेशन है जो कि शो कर रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना यूट्यूब को पैटर्न लॉक लगा दूँ, तो देखिए मैं अपना यूट्यूब को कर दिया। उसके बाद मैं अपना व्हाट्सअप को चाहता हूँ कि पैटर्न लॉक लगा दूँ, तो व्हाट्सअप को पैटर्न लॉक लगा दिया। उसको मैं अपना प्ले स्टोर को चाहता हूँ कि पैटर्न लॉक लगा दूँ, या फिर मैं अपने फोन डायलर को भी फोन पैटर्न लॉक लगा देता हूँ फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कोने में है जो डन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पैटर्न लॉक चार एप्लीकेशन है जो कि मेरा पैटर्न लॉक हो गया है, जो कि ये पैटर्न लॉक मेरा हो गया। तब मैं जाता हूँ यहाँ सीधे से बैक, तो बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं चेक करता हूँ कि मेरा पैटर्न लॉक काम कर रहा है या नहीं फ्रेंड। तो देखिए मैं अपने यूट्यूब में किया हूँ, देखिए जैसे कि फोन डायलर में मैं किया था। देखिए फोन डायलर को जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे देखें पैटर्न लॉक खोल रहा है फ्रेंड। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा खोलूंगा इसका पैटर्न, तो मेरा ये खुल जाएगा फ्रेंड। तो जैसे कि मैं देखें यहाँ पे मैं किया, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये खुल गया फ्रेंड। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यूट्यूब में पैटर्न लॉक लगाया हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैं यूट्यूब में खोलता हूँ फ्रेंड। तो जैसे ही यूट्यूब खोला फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह मैं किया, उसके बाद मेरा पैटर्न लॉक खुल गया फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे देखिए ठीक नीचे में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो इसके ऊपर आप देखें मैं इस वीडियो को चला देता हूँ। उसके बाद देखें इस ठीक नीचे में सब्सक्राइब लिखा, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दे फ्रेंड्स। इस तरह ऐसे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखें बगल में ही बेल आइकन घंटी है फ्रेंड, इसके ऊपर जैसे ऐसे क्लिक कीजिएगा
करेगा फिर तो इस ऊपर देखें, सबसे ऊपर में देखें ऑल का ऑप्शन है, फिर तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे, फिर इस तरह कर दीजिएगा। फिर तो मैं जब भी कोई इस तरह का वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको लाइक भी कर दे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा नीचे चलेंगे फ्रेंड तो देखें यहाँ पे कॉमेंट करने का भी ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड। तो देखें यहाँ पे आप यहाँ से कॉमेंट्स भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नाइस भी लिख सकते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे नाइस लिख कर यहाँ पे कर सकते हैं, कॉमेंट भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करें, इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो बहुत आसानी से इसको सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो उसके बाद मैं आप लेकर चलता हूँ बैक। तो बैक जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मानकर चलिए, देखिए अब इस सभी एप्लीकेशन में आपने पैटर्न लॉक कर लिया, अब इसको डिसेबल करना है, जैसे कि अब इसको हटाना है, जैसे कि मानकर चलिए कि फोन डलर को ये सब को मेरे को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। तो देखिए फिर से आपको जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था गैलेक्सी स्टोर से फ्रेंड, तो उसके ऊपर आपको चलना होगा फ्रेंड। तो देखिए मैं इस एप्लीकेशन में आ जाता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें इसके ऊपर, देखिए फर्स्ट वाले पे इसके ऊपर जैसे ही इस तरह आप क्लिक कर दे फ्रेंड, ऐसे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स वो जो पैटर्न लगाए थे उस पैटर्न को यहाँ से आप खोले फ्रेंड। खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पर इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो जो एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि पैटर्न लॉक इसको खत्म कर दें, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इस तरह दबाए रखे फ्रेंड। उसके बाद सभी पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे को अभी नई पैटर्न लॉक लगाना है, मैं आपको दिखाने के लिए किया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखें कोने पे अनलॉक, तो इसके ऊपर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब मैं यूट्यूब खोलूँगा फ्रेंड्स या फिर मैं अपना फोन डायलर खोलूँगा तो खुल जाएगा, जिसमें पैटर्न लॉक नहीं खोजेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, जैसे कि मैं देखिए यूट्यूब खोलना चाहता हूँ तो देखिए तुरंत खुल गया, इसमें मेरा पैटर्न लॉक नहीं खोज रहा है फ्रेंड। तो इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से ये सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि ये सेटिंग बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अगर ये सेटिंग नहीं जानते थे, अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में पैटर्न लॉक नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका फोन है कि बहुत हद तक के सिक्योर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट्स में जरूर आप लिख कर बताएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।